हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जहाँ पे सिय अनुसुईया माँ से पतिव्रत शिक्षा पाई। चित्रकूट से चले अत्रिमुनि के आश्रम रघुराई। जहाँ पे सिय अनुसुईया माँ से पतिव्रत शिक्षा पाई। आगे चले विराध नाम का दैत्य सामने आया। Yeah!
एक बाण से ही रघुवर ने उसको मार गिराया। राम सिया लक्ष्मण जी वन वन चलते जाते हैं, ऋषि मुनियों का दर्शन करते कृपा लुटाते हैं। अगस्त्य मुनि ने जब जाना कि राम मिलन को आए, स्वयं ही आसन से उठकर स्वागत में नयन बिछाए। उनके चरण छुए रघुवर सीता और अनुज लखन, लगा कि जैसे धन्य हो गया अगस्त्य मुनि का जीवन। राम को पंचवटी में रहने की सलाह है देते, गोदावरी के तट पर वन में पर्ण कुटी प्रभु रचते। मुनि जन सब की कृपा प्राप्त कर, मुनि जन सब की कृपा प्राप्त कर, लीला अपनी रचाए। शूर्प नखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी। कामातुर लोलुप नारी फैलाने लगी निज माया, इच्छा कृत रूप बनाया, इच्छा कृत रूप बनाया, फैलाने लगी निज माया। सुंदर कुटिया बना राम जी पंचवटी में रहते, दुष्ट राक्षसी एक दिन आई सूरपन खांज से कहते। आई पंचवटी में उसको राम लखन मन भाए, दोनों में से किसी एक से व्याह हेतु ललचाए। सुंदर रूप सजा वह दुष्टा निकट राम के आई, बहुत किया अनुरोध ब्याह का सफल नहीं हो पाई। लखन से कर ले ब्याह सुंदरी, लखन से कर ले ब्याह सुंदरी, श्री राम समझाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। कर दिया लखन ने भी तो सूरपण खा खिसी आई, बना राक्षसी रूप भयंकर झपट सिया तक आई। देख दृश्य प्रभु ने छोटे भाई को किया इशारा, काटी नाक शीघ्र लक्ष्मण ने बही लहू की धारा। पीड़ा से व्याकुल सूरपण खा बुरी तरह चिल्लाई, बदला लेने हेतु बंधु खर दूषण को ले आई। सेना सहित दैत्य खर दूषण, सेना सहित दैत्य खर दूषण को प्रभु मार गिराए। सुनो सुनाए राम कथाए, सुनो सुनाए राम कथाए। We'll be right back.
शिव ही सुनायो। जटाट भी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांत कांध कांतकं तमंत कांतकं भजे ओम नमः शिवाय। नाम दसानन दस सिर सोहे नाभि में अमृत पावन जिससे देवता और मानव का संकट में था जीवन शंभु भक्त था पर वह यज्ञ न होने दे धरती पर उसके राक्षस ऋषि मुनियों का भोज करें धरती पर सूर्पनखा रावण की बहन थी रावण की बहन थी पहुंची लंका द्वारे। क्या हुआ शूर्पणखा? हरी नाक पर ये घाव कैसा? शूर्पणखा ने लंका जाके सारा हाल बताया हरदूषण का वध सुन रावण विचलित हो चकराया क्रोधित हो सिया हरण हेतु उसने षड्यंत्र रचाया मृग मारीच बना सोने का पंचवटी पहुंचाया कहे राम से सीता यह मृग मन को बहुत लुभाए हे स्वामी इस कावध करिए मृग छाला बन जाए छोड़ लखन सिय को प्रभु माया छोड़ लखन सिय को प्रभु माया मृग बधने को जाए। मारीच भागता प्रभु को बहुत दूर ले आया लगा पाण मरने से पहले हे लक्ष्मण चिल्लाया हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण फांसीते फांसीते। व्याकुल हो सीता लक्ष्मण से कहे न देर लगाओ भाई पर संकट आया है रक्षा करने जाओ समझाया लक्ष्मण ने फिर भी होनी टाल न पाए। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर चुप गए क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। रेखा खींच सिया माता को सादर वचन सुनाए हे माता रेखा के बाहर हे माता रेखा के बाहर आप कदापि न जाए।
लक्ष्मण के जाते ही रावण भिक्षु भेष में आया। भिक्षां देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। लक्ष्मण के जाते ही रावण भिक्षु भेष में आया। भिक्षा मांग सिया को लक्ष्मण रेखा पार कराया। असली रूप दिखा सीता को जबरन रथ बैठाया। चला दुष्ट आकाश मार्ग से तभी जटायु आया। झपटा रावण पर सीता को फिर भी बचा न पाया। दोनों पंख काट रावण ने तत्क्षण भूमि गिराया। अपने आभूषण उतार कर सीता वहां गिराए। हर लखन को देख कहे प्रभु छोड़ सिया क्यों आए। हाथ जोड़ के बोले लखन माँ की आज्ञा ही निभाए। कुटिया पर आए पल भर में लखन सहित रघुराई। नहीं जान की मिली वहां पर कष्ट हुआ दुखदाई। भटके राम बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम बन बन भटके राम। आगे बढ़े राह में घायल गिद्ध जटायु पाया। सारा हाल बता प्रभु की गोदी ने छोड़ी काया। कर संस्कार जटायु को प्रभु परम धाम पहुँचाए। आगे बढ़े राम जी तो राक्षस की बड़ी भुजाएं। पीछा करती रही भयंकर दो दो दैत्य भुजाएं। आगे बढ़े राम जी तो राक्षस की बड़ी भुजाएं। पीछा करती रही भयंकर दो दो दैत्य भुजाएं। लक्ष्मण जी ने काट काट कर उसके हाथ गिराए। तब कबंध अपना परिचय दे सारी कथा सुनाए। धनु नाम गंधर्व था राक्षस सबको सदा डराता। फूल शिरा नामक ऋषि ने था शापू से दे डाला।
कहा राम लक्ष्मण आए तो, कहा राम लक्ष्मण आए तो तेरा उद्धार कराए। श्री राम ने फिर उसके उद्धार की योजना रच दी, जीवित चिता में भस्म किया गंधर्व की होती मुक्ति। उसने रावण के दुष्कर्म का सारा हाल सुनाया, दूर दृष्टि से सुग्रीव की मित्रता का लाभ बताया। विजयी होंगे रावण पर वह करता भविष्यवाणी, कहता शबरी प्रतीक्षा करती बोले राम की वाणी। श्री राम जी शबरी आश्रम, श्री राम जी शबरी आश्रम को पग अपने बढ़ाए। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारे, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारे। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी मतंग ऋषि से जब शबरी सुनती राम की महिमा, राम दर्श की प्यास लिए जपती थी नाम की महिमा। मन में यह विश्वास लिए कि एक दिन प्रभु आएंगे, दीन हीन की पावन कुटिया में पग रख जाएंगे। मीठे बेर श्री राम है तू वह चख चख करके रखती, कुटिया के पथ पर वह प्रतिदिन फूल बिछाती रहती। दीनानाथ श्री रामचंद्र जी, दीनानाथ श्री रामचंद्र जी शबरी की कुटी पधारे। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। शबरी आश्रम पर आ प्रभु उसके झूठे फल खाए। नवदा भक्ति सुना कर सीता हरण की कथा बताए। बोली शबरी पंपा सर पर शीघ्र कृपा निधि जाओ, कर मैत्री सुग्रीव साथ सीता का पता लगाओ। धन्य हुई मैं राम जी शबरी की कुटिया में आए, जीवन सफल हो गया मेरा मुझते कृपा दिखाए। प्रभु श्री राम लखन पंपा सर, प्रभु श्री राम लखन पंपा सर सुंदर तट पर जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। आते ऋष्यमुख पर्वत की ओर लखन रघुराई, देख उन्हें सुग्रीव और वानर सेना घबराई। आते ऋष्यमुख पर्वत की ओर लखन रघुराई, देख उन्हें सुग्रीव और वानर सेना घबराई। ब्राह्मण रूप धरे हनुमत जी प्रभु के सम्मुख आए, परिचय ले श्री राम लखन को असली रूप दिखाए। चरणों में गिर नमन किया रघुवर ने हृदय लगाया, कांधे पर बैठा दोनों को सुग्रीव तक पहुंचाया। ऐसे भक्त कहाँ का
कहां जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहां कहां जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। मधुर मिलन सुग्रीव राम का हनुमत वीर कराए, सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। श्री हनुमान ने काष्ठ रगड़ कर अग्नि को प्रकट किया था, सुग्रीव राम की मित्रता को उसी अग्नि का साक्ष्य दिया था। श्री हनुमान ने काष्ठ रगड़ कर अग्नि को प्रकट किया था, सुग्रीव राम की मित्रता को उसी अग्नि का साक्ष्य दिया था। दोनों अग्नि प्रदक्षिणा करके एक दूजे से मिलते, एक दूजे के सुख दुख के हैं दोनों साथी बनते। सुग्रीव ने फिर माता सीता का वह हाल बताया, जब रावण विमान लिए जाता आभूषण माने गिराया, जो आभूषण सिय के उनको लाकर शीघ्र दिखाया। पर्वत पर रहने का कारण भाई द्रोह बताया, कहा राज्य पत्नी सब छीना मैंने प्राण बचाए, इस पर्वत पर शाप लगा है बाल नहीं आ पाए। बोले प्रभु वध करूं बालिका, बोले प्रभु वध करूं बालिका, विधि बचा न पाए। बाली के वध की बनी योजना, सुग्रीव युद्ध को जाता, वज्र समान पड़ा भूसा वह भागा प्राण बचाता। बाली के वध की बनी योजना, सुग्रीव युद्ध को जाता, वज्र समान पड़ा भूसा वह भागा प्राण बचाता। हाथ फेर उसके तन पर प्रभु राम ने दर्द मिटाया, पहना कर फूलों की माला फिर लड़ने पहुंचाया। खड़े वृक्ष की ओट राम ने अपना तीर चलाया, छाती में जा लगा बाली को कोई बचा न पाया। पूछे बाली राम से प्रभु क्यों, पूछे बाली राम से प्रभु क्यों मुझ पर बाण चलाए, सुनो सुनाए। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? बोले राम जी महापाप की व्याख्या मनु स्मृति में, अनुज वधु भगिनी सुत नारी यह सब सम बेटी है। बोले राम जी महापाप की व्याख्या मनु स्मृति में, अनुज वधु भगिनी सुत नारी यह सब सम बेटी है। इनको जो बुरी दृष्टि से देखे वह पापी कहलाता, उसका वध करने से कोई पाप नहीं है लगता। तुमने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया है, तुम सम कोई पापी नहीं है महापाप किया है। प्राण ही दे कर के पापी को, प्राण ही दे कर के पापी को इनसे मुक्ति मिल पाए, सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। राज
राजा बालिका स्वयं राम अंतिम संस्कार कराते। सुग्रीव को किस किंधा का राजा है स्वयं बनाते। राजा बालिका स्वयं राम अंतिम संस्कार कराते। सुग्रीव को किस किंधा का राजा है स्वयं बनाते। जिसका वध किया उस बालिका पुत्र युवराज बनाए। अपने हाथ से राज मुकुट लक्ष्मण जी स्वयं पहनाए। राजा बन सुग्रीव सदा भोगों में ही सुख पाए। धर्म कर्म को भूल पत्नी तारा संग समय बिताए। भूल गए सुग्रीव वचन सब, भूल गए सुग्रीव वचन सब, ऋतुएं बीती जाए। सहित समझाए। पछताए सुग्रीव स्वयं आ प्रभु को शीश झुकाए। बोले राम सुनो वानर पति समय बहुत ही बीता। दिशा दिशा वानर दल भेजो ढूंढे जाकर सीता। पूरब पश्चिम उत्तर दिश में वानर दल को भेजा। सीता खोज में अंगद को दक्षिण ओर को भेजा। शीश झुका प्रभु को सब योद्धा, शीश झुका प्रभु को सब योद्धा। दिशा दिशा में जाए। सागर तट के निकट गुफा में संपाति को पाया। संपाति ने मासी कालंका में पता बताया। बैठ वहीं सागर तट पे सबने अनुमान लगाया। सौ योजन सागर की दूरी कोई लांघ न पाया। जामवंत तब बजरंगी को बल की याद दिलाए। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ। जागो बजरंग बली, जागो हनुमान। एक पिराज नहीं अस काज, न आपसे होए जो आप विचारो, न आपसे होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं। कपि आपको शीश झुका सब को बजरंगी अपना रूप बढ़ाए। एक पल में हनुमत उड़ करके, एक पल में हनुमत उड़ कर आकाश मार्ग से जाए। सुनो सुनाए राम कथाए। बड़े वेग से हनुमत जी आकाश मार्ग से जाते। जाना सागर पार न कुछ भी और ध्यान में लाते। आगे सागर के भीतर से पर्वत बाहर आया। यह पर्वत मैनाक रोक कर हनुमत को समझाया। हे अंबर में उड़ने वाले मेरे ऊपर आओ, कर विश्राम यहाँ पर थोड़ा फिर आगे बढ़ जाओ। धन्यवाद कहकर पर्वत को, धन्यवाद कहकर पर्वत को हनुमत विनय दिखाएं।
का मार्ग हनुमत को उड़ते जाते हैं अंबर में। राम काज के सिवा न उनको कुछ भी नहीं सुहाता, राम नाम उच्चारण ही उनके मन को है भाता। उसी समय सुरसा प्रकटी सौ योजन मुँह फैलाई। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हूँ? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं वहाँ कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता, इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूँ। लगते आगे बढ़ने, लंका पहुंचे मिली लंकिनी, लंका पहुंचे मिली लंकिनी, घुसा मार गिराए, सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। मिले विभीषण हनुमत आपस में सब हाल बताया, पवन पुत्र को सीता जी का सही पता समझाया। विदा विभीषण से हो हनुमत सूक्ष्म स्वरूप बनाए, आए उस अशोक वन में जहाँ सीता आंसू बहाए। वृक्ष पे बैठ सिया दर्शन कर किया प्रणाम मन ही मन, तभी वहाँ आकर सीता से बोला दुष्ट है रावण, एक बार देखो हमको, एक बार देखो हमको, पट रानी तुम्हें बनाए। कहे सिया मैं पतिव्रत नारी तू धोखे से हर लाया, एक दिन मेरे पति आएंगे मिटाएंगे तेरी माया। हंसकर बोला रावण तूने कहा न माना मेरा, तो अपनी तलवार से सीते वध कर दूंगा तेरा। चला गया रावण तो त्रिजटा ने सिय को समझाया, दुष्टों का विनाश होगा न रहेगी पाप की छाया। क्षमा मांग सिय से सब राक्षसियां अपने घर जाए, अभी मुद्र का गिरा राम की महिमा हनुमत गाए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। पहचानी मुद्र का सिया श्री राम का दर्शन पाती, राम के गुण गाने वाला है कौन सिया जी पूछी।
उतर वृक्ष से कर प्रणाम, हनुमत ने वचन सुनाया। राम दूत में पवन पुत्र माँ तुम्हें खोजने आया, प्रभु के हाल बता कर माता, प्रभु के हाल बता कर माँ सीता को धैर्य बंधाए। पवन पुत्र बोले भूखा हूँ माता कैसे बताऊं, आज्ञा दे दो इस अशोक वन के मीठे फल खाऊं। ले आशीष वाटिका में जा तोड़ तोड़ फल खाए, रखवाले जो रोके उनको मारे और गिराए। मारा रावण पुत्र अक्षय को मेघनाद तब आया, सभी तरह रावण पुत्र हारा तब ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का आदर करके, ब्रह्मास्त्र का आदर कर हनुमान स्वयं बंध जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। मेघनाद फिर पवन पुत्र को बांध महल में लाया, हनुमत को फिर सभा बीच रावण ने बहुत धमकाया। मेघनाद फिर पवन पुत्र को बांध महल में लाया, हनुमत को फिर सभा बीच रावण ने बहुत धमकाया। राम की शरण में जा रावण हनुमत युक्ति बताए, फिर भी अभिमानी लंकेश्वर दंड नीति अपनाए। आग लगाओ वस्त्र लपेट तेल में फिर हनुमान की पूंछ जलाई, उलट पुलट सारी लंका में हनुमान ने आग लगाई। लपटे भयंकर उठे अग्नि की लपटे, सोने की लंका को राख बनाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। बचाव भीषण का घर केवल लंका सभी जलाई, बुझा सागर में हनुमत ने सब थकन मिटाई। आ अशोक वन में सीता को सादर शीश झुकाया, चूड़ा मणि दे जनक नंदिनी ने यूं वचन सुनाया। हे हनुमान विरह हमारी स्वामी को समझाना, एक माह के बाद नहीं संभव जीवित रह पाना। कर प्रणाम सीता माता को सागर लांघ के आए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। भालू वानरों की सेना मिल
जय जयकार लगाए। मिला सिया का पता हृदय में फूले नहीं समाए। हनुमत हंसी खुशी आकर रघुवर को शीश झुकाए। चूड़ा मणि देकर माता सीता का हाल बताए। लंका दहन विरह सीता का भाव सहित समझाया। उपकारी कहकर हनुमत को प्रभु ने हृदय लगाया। लखन सहित अपनी सेना संग, लखन सहित अपनी सेना संग सागर तट पर आए। नाश को धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर समझ में आया। हमें पता चल गया है वह वानर पहले तेरे घर में आया। तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा। लात मार के विभीषण को रावण ने ठुकराया। सागर पार चला विभीषण राम शरण में आया। सुनकर व्यथा भक्त की प्रभु ने सागर जल मंगवाया। राज तिलक कर भक्त विभीषण को प्रभु ने अपनाया। पार करे सब कैसे सागर, पार करे सब कैसे सागर, बैठ विचार बनाए। सुनो सुनाए राम कथा, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इधर तीन दिन बीते प्रभु की विनय न सागर माने। बोले राम बिना भय के जड़ प्रीत नहीं पहचाने। हर तीन दिन बीते प्रभु की विनय न सागर माने। बोले राम बिना भय के जड़ प्रीत नहीं पहचाने। कोप सहित ज्यों ही रघुवर ने धन पर बाण चढ़ाया। क्यों ही घबरा कर सागर श्री राम शरण में आया। क्षमा मांग बोला स्वामी मत मेरा मान घटाओ। वरदानी नल नील है वानर उनसे सेतु बनवाओ। जो पत्थर नल नील छुएंगे, जो पत्थर नल नील छुएंगे जल में डूब न पाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक
अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा? क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी, बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दे। शुभस्य शीघ्र। राम नाम आधार जिन्हें, वानरों की सेना लंका के तट उतरी है, सेतु बंध सेना का आना सुन रावण घबराया, आया अपने महल पुनः मंदोदरी ने समझाया, अहंकार से बोला रावण, अहंकार से बोला रावण, हम अजेय कहलाए। सेनापतियों संग चिंतन करते, युद्ध से पहले एक बार रावण को मौका देते, दूत कोई जाए अपना जाकर उसको समझाए, कौन बने अब दूत जो रावण के दरबार में जाए, सुग्रीव ने बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाया, वानर राज ने बाली पुत्र को विश्वासी बतलाया, बाली पुत्र अंगद फिर चलता, बाली पुत्र अंगद फिर चलता, राम दूत कहलाए, सुनो सुनाए राम कथाए, सुनो सुनाए राम कथाए। रामदूत अंगद रावण की राजसभा में आया, न्यायोचित सम्मान जब दरबार में उसके पाया। महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए, परंतु जो मैं संदेश लाया हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है, इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम।
आसन अंगद ने भी बनाया। क्रोधित रावण बोला कब तू कौन कहां से आया। अंगद बोला राम दूत मैं बाल पुत्र कहलाऊं। क्यों अनित कर कुल का नाश करते हो यह समझाऊं। अंगद की बातें रावण को किंचित नहीं सुहाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। अजमाले लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती पर पछाड़ दो। एक एक योद्धा वे, एक एक योद्धा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे बोले राम जी की जय। उठा न पाए राक्षस तो फिर मेघनाद है आता। पाँव उठाना दूर रहा उसे थोड़ा हिला न पाता। स्वयं दशानन फिर आता है, स्वयं दशानन फिर आता है अहंकार दिखलाए। अंगद के पैरों की ओर जब बढ़ता है लंकेश्वर। अंगद पांव हटा लेता गिरता है मुकुट धरती पर। अंगद के पैरों की ओर जब बढ़ता है लंकेश्वर। अंगद पांव हटा लेता गिरता है मुकुट धरती पर। रावण को कहता है अंगद पैर पे गिर श्री राम के। तर जाएगी तेरी काया सदगति हो सम्मान से। मुकुट फेंक करके अंगद श्री राम चरण पहुँचाए। रहा देखता राक्षस दल सब अंगद उछल के जाए। लज्जित होकर रावण देखे, लज्जित होकर रावण देखे देख देख पछताए। सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। नाना ससुर व माँ पत्नी मंदोदरी ने समझाया। फिर भी अहंकार वश रावण कुछ भी समझ न पाया। अपने बल का गर्व दिखाता नहीं किसी की माने। कुछ राम की शक्ति समझ कर अपना शौर्य बखाने। उधर राम की सेना हर हर महादेव जय गाए। इधर दशानन सभा सदों संग रण की नीति बनाए। तोड़ द्वार श्री राम के सैनिक, तोड़ द्वार श्री राम के सैनिक आकर दुर्ग गिराए। सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं।
बड़े बड़े योद्धा रावण के रण में लड़ने आए। पल में राम के वीरों ने उन्हें यम के लोक पहुंचाए। एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। रथ को तोड़ अपमानित कर प्रभु ने वापस पहुंचाया। शस्त्रहीन रावण की दुर्गति देख राम मुस्काए। रथ के बिना झुकाए सिर को रावण लौटा जाए। श्री रघुवर से बैर करें वो, श्री रघुवर से बैर करें दुर्गति उसकी हो जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनाए राम कथाएं। रावण को नाना ने कुंभकर्ण की याद दिलाई। ढोल मजीरे बजा बजा कर उसकी नींद उड़ाई। लंबी लंबी सांसें लेता कुंभकर्ण महादानव। हर्राटे लेकर सोता था हार गए सब दानव। तीर चुभोए पानी डाले फिर भी प्रभाव न कोई। हाथी लगा चिंघार मचाने फिर भी आंख न खोली। फिर भोजन मंगवाया गया था, फिर भोजन मंगवाया गया सुगंध से वो जग जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। कुंभकर्ण जब जागा तो वह भोजन करने बैठा। खा पी कर सेनापति से लंका की हालत पूछा। कुंभकर्ण जब जागा तो वह भोजन करने बैठा। खा पी कर सेनापति से लंका की हालत पूछा। सेनापति ने रावण के कुकृत्य सभी समझाए। जगदम्बा सीता हर लाए रावण गर्व दिखाए। कुंभकर्ण रावण के सम्मुख मिलने आता है। रावण उसको युद्ध हेतु सब कथा सुनाता है। कुंभकर्ण रावण के कृत्य को, कुंभकर्ण रावण के कृत्य को स्वार्थपूर्ण बतलाए। भैया शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तब वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है।
अपने कुल का धर्म निभाने चला सुर मायावी। कुंभकर्ण रावण की बात पर रण जाने की ठानी। रण आंगन में कुंभकर्ण को देख सभी अचरज में। सेना में भगदड़ मचती है कोई न जाए निकट में। पूछे राम भीषण से बतलाया कुंभकर्ण है। मेरा है ये बड़ा भाई प्रभु विशाल का ये बदन है। महाबली ये शक्तिशाली है। महाबली ये शक्तिशाली है कोई हरा न पाए। सुनो सुनाए राम कथाए। सुनो सुनाए राम कथाए। पैरों के नीचे लगा कुचलने। पैरों के नीचे लगा कुचलने वानर दल घबराए। उठा शिलाएं पत्थर की उस पर फेंके जब वानर। कच्चे घड़े समान मसलता कुंभकर्ण वह पत्थर। हनुमत ने फेंका एक पर्वत कुंभकर्ण के ऊपर। कुंभकर्ण ने एक फूंक से फेंका उसे उड़ाकर। हनुमत से ललकार कहा राम को सामने लाओ। कहाँ छिपे हैं राम लखन को रण में शीघ्र बुलाओ। सुन ललकार शत्रु की लक्ष्मण। सुन ललकार शत्रु की लक्ष्मण पल भर रुक ना पाए। सुनो सुनाए राम कथाए। सुनो सुनाए राम कथाए। लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ उसने शिव शस्त्र को फेंका। बजरंगी ने अपने हाथ से उस त्रिशूल को पकड़ा। फिर सुग्रीव को पकड़ के राक्षस लौटे पांव चला है। श्री राम के एक वाण से रुका और लौट पड़ा है। कुंभकर्ण और श्री राम में युद्ध हुआ है भारी। श्री राम के बाणों ने फिर उसकी भुजाएं काटी। अंत में बाण से काटे शीश प्रभु। अंत में बाण से काटे शीश प्रभु सागर बीच गिराए। नहीं, कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है, काल भी उसका काल नहीं बन सकता। मेघनाद फिर रावण से आज्ञा मांगे रण जाने की। अंत में रावण आज्ञा देता पत्नी उतारे आरती। चला इंद्रजीत रण आंगन में लक्ष्मण को ललकारे। सुग्रीव अंगद नील और नल हनुमत गए पछारे। लक्ष्मण जी श्री राम से आज्ञा लेकर रण में आए। दोनों का घमासान युद्ध बाणों पे बाण चले हैं। नहीं किसी से कम है कोई, दोनों ही वीर बड़े हैं। देखते देखते मेघनाद रथ सहित उड़ा आकाश। रथ समेत गायब हो करके करता है अट्टहास। अंबर में कोई न दिखे राम लक्ष्मण देखे। नाग पास फेंका मेघनाद ने अंबर से छुप करके। नाग पास में राम लक्ष्मण। नाग पास में राम लक्ष्मण बंद गए कौन छुड़ाए। सुनो सुनाए राम कथाए। सुनो सुनाए
रंग बलि फिर पक्षी राज को लाए। आके गरुण ने नागपाश से स्वामी को मुक्त कराए। जहाँ शोक छाया था वहाँ पर खुशी के बजे नगाड़े। राम लक्ष्मण उठकर बैठे युद्ध हेतु ललकारे। मेघनाद रण आंगन आया युद्ध करे लक्ष्मण से। बाण पे बाण चलाए दोनों पीछे हटे नारण से। आखिर मेघनाद मायावी आखिर मेघनाद मायावी मेघों में जा छुप जाए। मायावी फिर मेघनाद ने छिप कर शक्ति चलाई। वीर घातिनी शक्ति लगी लक्ष्मण को मूर्छा आई। मेघनाद सैनिकों के संग में मेघनाद सैनिकों के संग लक्ष्मण को उठा न पाए। सुनो सुनाए राम कथाएं सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हनुमान लखन को तत्क्षण प्रभु के सम्मुख आए। दुखी हुए प्रभु जामवंत सुग्रीव समझ ना पाए। राम को न विश्वास हुआ लक्ष्मण के प्राण नहीं है। लक्ष्मण बिना राम का जीवन जीवन कोई नहीं है। वैद्य सुसेन रहे लंका में है बजरंगी जाओ। जामवंत जी बोले वैद्यराज को संग ले आओ। उड़े पवन सुत वैद्यराज को उड़े पवन सुत वैद्यराज को भवन सहित ले आए। सुनो सुनाए राम कथाए सुनो सुनाए राम कथाए। राज बोले हे हनुमत आप शीघ्र ही जाओ। दूर हिमालय से संजीवन बूटी लेकर आओ। देरी किए बिना हनुमत ने आगे कदम बढ़ाया। पथ में काल नेम मायावी रावण ने पहुंचाया। भेद समझ कर काल नेम को हनुमत मार मिटाए। नभ में उड़ते हुए पवन सुत द्रोणागिरि पर आए। द्रोणागिरि पे पहुँच के हनुमत द्रोणागिरि पे पहुँच के हनुमत भूती समझ न पाए। सुनो सुनाए राम कथाएं सुनो सुनाए राम कथाएं। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस हनुमान जी नहीं आए। श्री राम जी दुब
दुविधा में हनुमान जी देर लगाए। चिंतित राम जी देख रहे के हनुमत पहाड़ ले आए। श्री राम ने बजरंगी के बार बार गुंगाए। वैद्यराज ने बूटी का शोधन कर दवा बनाई। मूर्छित लक्ष्मण जी के मुख में जैसे उन्हें पिलाई। पल भर में उठ बैठे लक्ष्मण, पल भर में उठ बैठे लक्ष्मण, श्री राम हर्षाए। प्रभु, मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुम्बला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ, वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्रादि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। बाहर जूझे राक्षस वानर, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से, हाथन से हथियारन से, कई कारण से रहे यज्ञ बिगार। मेघनाद रथ सहित है उड़ता अंबर में जा पहुंचा। जो ब्रह्मास्त्र चलाया उसमें लखन के निकट है रुकता। अंतिम बार युद्ध कौशल की लीला सभी दिखाई। शस्त्र न कोई बचा न कोई, युद्ध कला बच पाई। हुआ घोर संग्राम, लखन से मिटी मेघ की माया। लक्ष्मण ने एक बाण मार राक्षस का शीश उड़ाया। शीश कट गया मेघनाद का, खुशियां देव मनाए। होकर दुखी विभीषण उसके वध पर आंसू बहाए। नहीं, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है, ये संभव है। चुक, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? अपने ही दूत का मस्तक अपने हाथों से काट रहे हो? ये क्यों नहीं मानते कि ये शोक समाचार सत्य है? इंद्रजीत की मृत्यु से विचलित हो जाता है रावण। इंद्रजीत भी मारा गया, यह सुने नहीं कुछ रावण। जो यह कहता मृत्यु दंड की, उसको सजा सुनाता। मेघनाद के वध का वह विश्वास नहीं कर पाता। मंदोदरी विलखती आती, अपने आंसू बहाती। पुत्र विरह में रावण के संग रो रो शोक मनाती। इधर राम इंद्रजीत के शब पर, इधर राम इंद्रजीत के शब पर चादर स्वयं चढ़ाए। लंका उसे भिजवाए, उसे भिजवाए। सुनो सुनाए राम कथाए। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ गढ़तम ढह गया। लंकेश के इस लाडले का रक्त असमय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठारा घात से ज्वालामुखी बन रह गया। पर इस कुठारा घात से ज्वालामुखी
अहंकार से रावण अपनी युद्ध की नीति बनाया। इधर अगस्त्य महामुनि प्रकटे, प्रभु ने शीश झुकाया। श्री राम को मुनि ने आदित्य स्त्रोत का पाठ कराया। लाल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजया धरी प्रचंड पंच साय की। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने मतिर्म। नमः प्रबोधाय समझाए। अभिमानी न माने युद्ध को ठाने, सुनो सुनाए राम कथाए। रावण अपना मुकुट पहन कर रथ की ओर चला था। यह अजेय रथ उसको श्री ब्रह्मा जी से ही मिला था। रावण अपना मुकुट पहन कर रथ की ओर चला था। यह अजेय रथ उसको श्री ब्रह्मा जी से ही मिला था। सैनिक दल राजा रावण की जय जयकार लगाता। रावण अपनी सेना का उत्साह बढ़ाता जाता। जय लंकेश्वर जय लंकेश्वर होने लगा उद्घोष। रावण रथी है रण में जाता चारों ओर जय घोष। उधर राम अपनी सेना का मनोबल ऊंचा बढ़ाए। वीरो राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। युद्ध को आता उस पे टूट पड़े हनुमान। रावण को श्री राम की शक्ति का देते अनुमान। रावण युद्ध को आता उस पे टूट पड़े हनुमान। रावण के सम्मुख फिर आते जगतपति श्री राम। महायुद्ध होता दोनों में कोई हार न माने। शस्त्र भयंकर छोड़े जाते अपना बल अजमाने। चले तीर पर तीर परस्पर अद्भुत छिड़ी लड़ाई। धर्म अधर्म युद्ध निर्णय की निकट घड़ी है आई। डंका किसका बजेगा झंडा किसका झुकेगा आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। विभीषण मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तो सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। ब्रह्मा जी भी। विभीषण पर क्रोधित रावण ने शक्ति प्रचंड चलाई। उसे राम ने रोका कुछ क्षण उन्हें मूर्छा आई। विभीषण पर क्रोधित रावण ने शक्ति प्रचंड चलाई। उसे राम ने रोका कुछ क्षण उन्हें मूर्छा आई। लेकर गदा विभीषण दौड़ा रावण पर बरसाता। हनुमत सुग्रीव जामवंत के घात से वह गिर जाता।
मूर्छित देख दशानन को रथ का सारथी घबराता, ले जाकर रथ को पीछे रावण के प्राण बचाता। मूर्छा टूटी जागा दशानन, मूर्छा टूटी जागा तो सारथी पे क्रोध दिखाए। दौड़ा दौड़ा शीघ्र विभीषण राम शरण में आया, क्षमा मांग आंखों में आंसू भर कर वचन सुनाया। मेरे लिए शक्ति को सीने पर हे स्वामी झेला, मुझ राक्षस पर परम कृपा की अब मैं नहीं अकेला। रावण की मूर्छा टूटी तो फिर वह रण में आए, कर टंकार धनुष की प्रभु सम्मुख ललकार लगाए। फिर तो युद्ध भयंकरता की, फिर तो युद्ध भयंकरता की कथा कही ना जाए। शंख बजे संध्या के युद्ध रुक जाए, सुनो सुनाए राम कथाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दूसरे दिन क्रोधित हो दशानन बाण पे बाण चलाए, टुकड़े टुकड़े कर रघुवर ने सारे शस्त्र मिटाए। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। दूसरे दिन क्रोधित हो दशानन बाण पे बाण चलाए, टुकड़े टुकड़े कर रघुवर ने सारे शस्त्र मिटाए। खिसिया कर पापी रावण ने शक्ति प्रचंड चलाई, शीघ्र राम ने बाण मार कर वह वापस लौटाई। तभी राम ने अभिमंत्रित कर अद्भुत बाण चलाया, जिसने रावण का सिर उसके धड़ से अलग हटाया। जितने शीश कटे रावण के, जितने शीश कटे रावण के उतने ही बढ़ जाए। सुनो सुनाए राम कथाए, सुनो सुनाए राम कथा। उड़े विभीषण पहुँचे राम तक, उड़े विभीषण पहुँचे राम तक, नाभि में अमृत बताए। सुनो सुनाए राम कथाए, सुनो सुनाए राम कथाए। संधान नाभि को प्रभु ने अंतिम तीर चलाया, हे श्री राम कह कर रावण चीखा चिल्लाया। श्री राम, श्री राम।
रावण का सुन रानी मंदोदरी आती। राक्षसियां सब बिलख बिलख रो रो कर शोक मनाती। मंदोदरी विलाप करें सबके संग रोए विभीषण। नाना माल्यवान अपनी लंका को करें समर्पण। आदर सहित राम को सारी संपत्ति करते अर्पित। प्रजा सुरक्षा तथा राज्य भी प्रभु को करें समर्पित। राम विभीषण से रावण का, राम विभीषण से उसका अंतिम संस्कार कराएं। श्री रामचंद्र जी ने फिर अपना वचन निभाया। भक्त विभीषण को लंका के सिंहासन बैठाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर अपना वचन निभाया। भक्त विभीषण को लंका के सिंहासन बैठाया। प्रभु ने आज्ञा दी हनुमत को वे लंका में जाए। आज्ञा पा हनुमत लंका से सीता को ले आए। प्रभु जी बोले लंका में निवास की देवी सीता। कोई शंका नहीं है इनकी पावन सदा पवित्रता। लेकिन लोक अपवाद का भय है सीता उसे मिटाए। अग्नि परीक्षा दे करके ही साथ में मेरे आए। जिससे कोई सीता जी पर उंगली नहीं उठाए। मर्यादित जीवन पर कोई कलंक न लगने पाए। मूक बने लक्ष्मण हनुमत सब, मूक बने लक्ष्मण हनुमत कोई कुछ भी बोल न पाए। सुनो सुनाए राम कथाए, सुनो सुनाए राम कथाए। बोले प्रभु पतिव्रता जानकी छाया मूर्ति मिटाओ। कर प्रवेश अग्नि में अपनी पवित्रता दर्शाओ। बोले प्रभु पतिव्रता जानकी छाया मूर्ति मिटाओ। कर प्रवेश अग्नि में अपनी पवित्रता दर्शाओ। करती है प्रवेश अग्नि में छाया रूपी सीता। अग्नि देवले प्रकट हुए लपटों में असली सीता। धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिनि चीर सागर इंदिरा। जामवंत सुग्रीव नील नल अंगद हनुमत प्यारे। लखन विभीषण संग विमान में सिय रघुवीर पधारे। चला विमान अवध में व्याकुल हुए सभी नर नारी।
कर अवधपुरी में रघुवर ने विमान रुकवाया। मात अयोध्या जन्म भूमि को अपना शीश झुकाया। आकर अवधपुरी में रघुवर ने विमान रुकवाया। मात अयोध्या जन्म भूमि को अपना शीश झुकाया। गुरुवर के चरणों में रघुवर सादर शीश झुकाए। रावण पर जो विजय हुई उसके गुरुवर गुण गाए। जिसने दिया वनवास उसी माँ से है पहले मिलते। श्री राम को देख के कई कई के नयन झुकते। कई कई की ममता पाकर कई कई की ममता पाकर राम बहुत सुख पाए। सुनो सुनाए राम कथाए। सुनो सुनाए राम कथाए। सुमित्रा चरण लखन की महिमा राम सुनाए। कौशल्या मात के हृदय लग माँ की ममता पाए। छूके सुमित्रा चरण लखन की महिमा राम सुनाए। कौशल्या मात के हृदय लग माँ की ममता पाए। वन विपत्ति की याद दिला कर माँ कौशल्या रोती। राम कहे माँ रूप हमेशा दुर्गा माँ संग होती। भरत खड़ाऊ लिए स्वयं ही रघुवर को पहनाते। भरत धर्म की ही मूरत है यह श्री राम बताते। सबसे छोटे बंधु शत्रुघ्न सबसे छोटे बंधु शत्रुघ्न को प्रभु हृदय लगाए। सुनो सुनाए राम कथाए। सुनो सुनाए राम कथाए। स्वागतम 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 स्वागतम। राज सिंहासन दिव्य सजाया। सियाराम ने गुरु वशिष्ठ चरणों में शीश झुकाया। पत्नी सीता सहित सिंहासन पर श्री राम विराजे। बरसे सुमन देवगण हर्षे बजे मांगलिक बाजे। प्रथम तिलक गुरुदेव लगाते राज मुकुट पहनाए। अवध निवासी राजभवन में मिल आनंद मनाए। राम दरबार है जग सारा। राम दरबार है जग सारा। राम ही तीनों लोक के राजा। राम ही तीनों लोक के राजा। सबके प्रतिपाला सबके आधारा। दरबार है जग सारा। राम दरबार है जग सारा।
त्रुटि स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि 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 अनंत अनंत अभेद अभेद अनंत अनंत अभेद अभेद अगम्य अगम्य पार को पार सारा राम दरबार है जग सारा।